नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार गरीबों को फ्री इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में तहसील और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह चौहान जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे मेले का शुभारम्भ करने पहुंचे, जहाँ उन्होंने शाम के 3:30 बजे के लगभग स्वास्थ्य मेले का शुभारम्भ फीता काट कर किया। तो वहीं इससे पूर्व वहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी महिलाओं ने उनका तिलक लगाकर सम्मान किया। स्वास्थ्य मेले के समापन के समय पर्यटक मंत्री ने स्वास्थ्य संबंधी जिला स्वास्थ्य मित्रों को सप्रेम भेंट देते हुए मौजूद गर्भवती महिलाएं की गोद भराई की रस्म अदा की। 7 दिवसीय मेले का समापन भी किया गया। स्वास्थ्य मेले के दौरान वहां पर उपस्थित मरीज एवं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है कि पूरे देश के रहने वाले महिला पुरुष और कम बच्चे निरोगी रहें, जिसके उद्देश्य से यह 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं प्रत्येक रविवार को हर CSC केंद्र का पर स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम जारी रहेगा। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अब लोगों की भलाई के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात 2017 में कहां थे और 2022 तक उत्तर प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और आगे आने वाले 2027 तक योगी सरकार लोक कल्याण योजना के माध्यम से विकास करने का काम करेगी और वही भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने का भी काम करेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम रूबरू करवाते हैं इस वाइट सूटों के माध्यम से। केंद्र पर शुभारंभ भी हुआ और समापन भी आपके द्वारा किया गया है। सर, स्वास्थ्य मेले का आयोजन जो किया जा रहा है, सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे प्रदेश में और देश में लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसका प्रयास निरंतर रूप से प्रदेश की सरकार और भारत सरकार का प्रयास है। हम निरंतर एक अभी ये आयोजन हुआ उसको निरंतर मुख्यमंत्री आरोप मेला भी लगते रहेंगे जी। हमारे PHC CS पर समुचित उपचार की व्यवस्था कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर्स हमारे संचारी रोगों के साथ साथ जो भी सीनियर लोग हैं उनसे उपचार के लिए लगातार जनता के बीच रहेंगे, अभियान चलेंगे। हमारा प्रयास है मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह भारत और उत्तर प्रदेश स्वस्थ हो, ताकि हम अपने देश को स्वस्थ मन और स्वच्छ तन से अपने विश्व में अग्रणी देश बनाने का सपना साकार सकें, ये प्रयास है। इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में और राष्ट्र की सरकार मोदी के नेतृत्व में सतत रूप से अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंचाने का, सरकारी सुविधाएँ, सरकारी संस्था, चिकित्सा की व्यवस्थाएँ गाँव के गरीब से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से ये बताया जाता है कि ये कुरावली CSC जो है यहाँ पर जो है ना चिकित्सकों की कमी है, जबकि यहाँ पर मरीज बहुत आते हैं, तो सर इस संबंध में आप मतलब किस तरह से देखेंगे और क्या कहेंगे? आप समझ सकते हैं जी, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की कमी थी जी, डॉक्टर बनते कम थे, आवश्यकता ज्यादा थी, पॉपुलेशन के साथ मानक के अंदर डॉक्टर कम थे, लेकिन देखेंगे प्रदेश में हर जिले में प्राय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो रहा है, जिसमें डॉक्टरों का प्रशिक्षण होकर डॉक्टर हमें मिलेंगे। हम मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज लेने आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में और देश में हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से पैरा मेडिकल खोल के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल के, PPP में मेडिकल कॉलेज खोल के और सरकारी सेक्टर में भी मेडिकल खोल करके डॉक्टरों की कमी को पूरा करके ये समस्या का जड़ से हल करने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, इस कुरावली नगर में एक बस स्टैंड सरकारी बना हुआ है, एक तहसील का भी निर्माण नहीं हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं। रोडवेज बस रुकती नहीं है बस स्टैंड पर कभी भी, और तहसील की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। जो भी व्यवस्थाएं बताइए, सारी व्यवस्था चाक चौबंद होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।